बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक एक हफ्ता तवील खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाएगी। AICC तेलंगाना इंचार्ज मानिकम टाइगो ने महबूब नगर में मरकजी ज़राई बलियों के खिलाफ किसानों की दस्तखती मुहिम का किया आगाज़, कहा मरकजी हुकूमत सिर्फ अपने मुफाद के लिए करती है काम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ई वोटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके तहत घर में बैठ कर वोट डाल सकते हैं, रियासी इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थ सारथी का बयान। हुकूमत ने तलबा को खुशखबरी सुनाई है जो इम्तिहानात में शरीक नहीं हो सके हैं। इस साल मार्च में इंटर इम्तिहानात में फेल होने वाले 27,590 तलबा को ग्रेस मार्क्स के साथ पास करने का किया गया है फैसला। गिफ्ट एक स्माइल के तहत चेन्नूर एमएलए बालका सुमन ने एम्बुलेंस खदमात का किया आगाज, काकतियापल्ली म्युनिसिपैलिटी के आवाम के लिए एम्बुलेंस खदमात रहेंगी दस्तियाब। मेरजल रेलवे स्टेशन पर अचानक आग भड़क उठी, खड़ी हुई बोगी में लगी आग, रेलवे अमला घबरा गया और फौरी तौर पर आग बुझाने के इकदाम किए। कोरोना के पेश नजर कई माह बाद खुले एपी में स्कूल, असातिज़ा को कोरोना से मुस्बित औलिया तुलबा में बेचैनी पाई गई। अपने कीमती वोट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपकी पसंद की नई हुकूमत बने, राहुल गांधी की आवाम से अपील। दिल्ली में हवा की क्वालिटी मंगल को इंतहाई खराब रही, जुमरे में रिहा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज हवा की क्वालिटी 332 रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाला इलाके में कासगंज रेल रूट पर मालगाड़ी के 7 बोगियां उलट गईं, जबकि 20 बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं। इस हादसे में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। एक सनसनीखेज खुलासे में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ बुनियादी FIR दर्ज कराना इसका फर्ज था, क्योंकि अदाकारा रिया चक्रवर्ती के जरिए इनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत ने जुर्म होने का इंकशाफ किया है। अहम अपोजिशन RJD के रहनुमा और वज़ीरे आला के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि रियासत में तब्दीली की लहर चल रही है और इसकी वजह से लोग कोरोना जैसे नामसाद हालत में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मगरबी बंगाल में 2021 में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। इस बार के इलेक्शन में बरसर इख्तदार जमात तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सख्त टक्कर मिल सकती है, जबकि बंगाल में होने वाले चुनाव में सौरभ गांगुली ने BJP की क़यादत करने से किया है इनकार। जम्मू कश्मीर में फौज कर रही है दहशत गर्दों का खात्मा, अक्टूबर तक किया 200 दहशत पसंदों को ढेर। हाथरस वाकया से मुतालिक जांच की रिपोर्ट SIT ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के हवाले कर दी है, इस रिपोर्ट में कई अहम नुकात का तस्करा किया गया है। वज़ीरे आला शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीरे आला कमलनाथ ने लगाया इल्जाम। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो कश्मीरी नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के लिए करेंगी कोशिश। CCTV कैमरों की तंसीब इंतहाई अहमियत के हामिल, CCTV कैमरों की मदद से पुलिस को मिला खोया हुआ सोने के जेवरात से भरा बैग। अमरीकी सदारती इंतखाबात, इंटरनेट सर्च पर ट्रंप की बर्तरी का रिकॉर्ड हुआ दर्ज।
ऑस्ट्रेलिया ने हलाकत खैज व्यानामा हमले के बाद आज से 3 दिन के शोक का किया ऐलान। मुतासरीन को याद रखने के लिए आज 1 मिनट की खामोशी मुकामी वक्त के मुताबिक दरमियानी शब मनाई जाएगी।